एक तो जिन भी साथियों से यहाँ कहा जा रहा है कि तो अपनी बात करें, बात कहें, वो न्यूनतम समय में अपनी बात कह दें, सारगर्भित कह दें, कोशिश करें, और दूसरा जो एक साथी कह दे उसको भी दोबारा दोहराए, क्योंकि उसको मैं भी नोट कर लूँगा और बाकी जो पर्यवेक्षक हमारे साथी हैं वो भी नोट कर लेंगे। केवल दो बातें मुझे आपसे कहनी है। एक तो ये कि अब अगला चुनाव जो हमारे सामने है, आप में से बहुत सारे दोस्तों के मन में विषय हो सकता है कि अगर महीने भर पहले, डेढ़ महीने पहले, एक महीने पहले बात हो गई थी कि मैं राजस्थान देखूंगा, तो एक सवा महीने की देरी क्यों? उसका सीधा कारण है कि पार्टी सदा ये कहती रही है कि चुनाव जीतने के लिए लड़े जाने चाहिए, ताकि हम चुनाव जीतें, सरकारें बनाएं और वहां कोई गुणात्मक परिवर्तन करें। चुनाव केवल चुनाव के नाम पर, राजनीति केवल राजनीति के नाम पर नहीं होनी चाहिए। और पार्टी ने कहा था, ये तो मैं मानता था कि पार्टी ऐसा ही मानती भी होगी, और मैं ऐसा मानता हूँ पार्टी ऐसी मानती है। तो अभी जो आखिरी एनी मीटिंग हुई है उसमें इस बात पर चर्चा हुई, और उसमें एनी ने इस बात की आश्वस्ति दी है कि राजस्थान में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसलिए आप बातचीत आदमी आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, इस बात की आश्वस्ति के साथ आज ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो आप सब लोग न्यूनतम समय में अपनी बात जरूर कहें। एक नए प्रकार का प्रयोग आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हो रहा है, और वह सुनने का, जिसका अभ्यास हमें यहाँ नहीं था, सुनाने का था। इसीलिए यह कहा गया है कि आप सुना दें, एक कोशिश करें कि जो अंदर आपके आक्रोश हो पिछली व्यवस्थाओं के प्रति, क्योंकि अब वो कुछ हो तो सकता नहीं, जो कुछ हुआ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, सामने वाला से कोई गलती हो गई, किसी और से कोई गलती होगी, तो अब उसे सुधार तो हो नहीं सकता। राजस्थान के मामले में जो कुछ भी हो चुका है उससे आगे हम कैसे बढ़े, इस पर आपका जो भी रोड प्लान हो, जो सुझाव हो, यानी कि तीन विषयों में अपनी बात करें, अपना परिचय दे दें कि हम कौन है, न्यूनतम परिचय, काम बोलता है आदमी का अपने आप, सबके पास विषय पता होता है। दूसरा ये बता दें कि आपका रोड प्लान क्या है आगे राजस्थान को लेकर, और आप केंद्रीय नेतृत्व से क्या चाहते हैं, इस भरोसे के साथ कि राजस्थान आगे वैसे चलेगा जैसे आप चाहेंगे, हम चाहेंगे आप अपने संसाधनों के रूप में, अपने परिवार के रूप में और सक्षम लोग भी जुड़े तब और मजबूत होंगे। तो मुझे लगता है ज्यादा कहने की जगह आगे इस चीज को बढ़ाएं कि आगे कुमार के सहयोग लेके हम सब लोग राजस्थान को कैसे खड़ा करें, उसकी बात है। तो आज कुमार फॉर्मली इसको शुरू कर रहे हैं। सब संभाग अधिकारी उनके क्षेत्र में क्या क्या स्थिति है और क्या चेंजेस चाहते हैं, और अगर कोई मेजर नाराजगियां हैं तो भैया वो भी बता दो, ठीक है? वो चाहे मुझसे हो, चाहे पूरे के पूरे संगठन से हो, पार्टी से हो, किसी भी चीज़ से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसके खुल के बता दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो सुनील जी आपसे ही शुरू करें। वैसे तो मैं कुमार भाई के पास सहमत हूँ कि उनको सुनना ज़्यादा चाहिए, तो मैं भी सुनना ज़्यादा चाहता हूँ। पंजाब और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पूरी तरह से हारने के बाद 5 मिनट भी मुझे दुख नहीं हुआ। जो 11 महीने से हम देख रहे थे राजस्थान में, वही पंजाब और गोवा में जीती, पंजाब और दिल्ली में जीती हुई बाजी, पंजाब आ रहे हैं। यहाँ इतना अद्भुत काम ईमानदारी से होने के बाद इतनी इंसल्टिंग हुई, मुझे खुशी है पार्टी ने यूटर्न लिया है और हर गलती को सबक देती हुई, सबक से बहुत पॉजिटिविटी भी आई है। देश की जनता इम्पोर्टेंट है, आम आदमी पार्टी, मैं और हम जैसे कई लोग, अगर मैं हम जैसे कहता हूँ तो मेरे सामने बहुत बैठे हैं, हम ना
दिल्ली के नेताओं की राजनीति खड़ी करने आए और ना राजस्थान के नेताओं की राजनीति खड़ी करने आए। हम लोग यहाँ इसलिए आए कि कुछ पीड़ा है, उस पीड़ा को समझ के अगर मिलके काम कर पाएंगे, अगर एक हो के मिलके भी ऐसा लगता है जैसे दो लोगों को मिलना है, यहाँ भी लाइन है, जब एक होके काम कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो राजस्थान के नेताओं को दिल्ली के नेता दिखते रहेंगे और दिल्ली के नेताओं को राजस्थान के नेता दिखते रहेंगे। राजस्थान दिल्ली में बैठने वालों को लगेगा भाई मुझे क्यों बुला रहे हो, अगर वहीं नेतागिरी चल जाएगी तो। राजस्थान में जयपुर वालों को कुछ और लगेगा, जयपुर में बैठे हुए लोगों के प्रति उदयपुर वालों को कुछ और लगेगा, उदयपुर में बैठे हुए लोगों के प्रति कस्बे वालों को विधानसभा वालों को कुछ और लगेगा, क्योंकि विधानसभा में बैठा हुआ आदमी आपसे खड़ा होकर कहेगा जी उदयपुर की नहीं चलेगी, यहाँ की चलेगी। उदयपुर में बैठा हुआ आदमी कहेगा जी जयपुर से थोड़ी राजनीति चलेगी, यहाँ से चलेगी। तो जब तक हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तब तक हम ना समझ पाएंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई लोगों की लाइन देख रहा हूं। बस एक लाइन लास्ट की बोल रहा था, वापस जो पहले बोली थी कि हमें तय करना है कि हम दिल्ली के नेता और राजस्थान के नेता मिलके पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। राजस्थान की जनता जितनी फोकस में रहेगी फिर ये चिंता नहीं रहेगी कि क्या दिल्ली वाले ने कहा और क्या राजस्थान वाले ने कहा। ये अगर राजस्थान की जनता से फोकस हट गया तो फिर ये भी चिंता रहेगी कि उदयपुर वाले ने क्या कहा और जयपुर वाले ने क्या कहा, ये भी चिंता रहेगी कि जयपुर वाले ने क्या कहा और दिल्ली वाले ने क्या कहा। मेरा सबसे निवेदन यह है, क्योंकि लंबा चलना है, ये कार्यक्रम भी लंबा चलेगा, कि जो मैंने फोकस करने की कोशिश की थी जाके, कई सारे ग्रुप्स हैं, सब कई ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में खूब बुराई भी करते हैं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, राजस्थान में नहीं सारी जगह होता है, और पार्टी होती है, चार लोग खड़े होते हैं तो सबके चार व्यू पॉइंट होते हैं, उसको खराब रूप में नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो जमीन पे काम करे वही फिर स्टेज पे बैठने का अधिकारी भी हो और वही फिर जिला या प्रदेश की टीमों में आने का अधिकारी भी हो। तो भाई एक एक आदमी जमीन पे जाके खड़े होकर काम करे। जमीन पे जो काम करने का मतलब है लोगों को जोड़ना है, इसलिए मैं शुरू में बोला कि बैलन में रेत में से राजनीतिक पार्टी खड़ी करनी थी। तो जो वहां कर सकता है, मुझे लगता है अपनी विधानसभा जो खड़ी कर सकता है अपने जिम्मे आने वाली, वहां मैक्सिमम लोगों को जोड़े, वहां पोस्टर चिपकाए, वहां लोग जोड़े, वहां बूथ पे, वहां वार्ड पे, वहां जोन पे नेता खड़े करे, मल्टीप्लाई करते और इस लेवल तक कर दे कि फिर कल को आपकी वहां जरूरत ना रहे। उसके बाद आप दूसरे जगह कर सकते हो, तीसरी जगह कर सकते हो, जिले स्तर पर कर सकते हो, राज्य स्तर पर कर सकते हो। पर अगर आप किसी को ये लगे कि भाई मैं तो राज्य स्तर का नेता हूं और मैं विधानसभा तो नहीं कर सकता पर राज्य में संभाल लूंगा, जोन तो खड़ा नहीं कर सकता पर मैं राज्य खड़ा कर लूंगा, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने संगठन का ये ढांचा निकालने की कोशिश की है, जिसको कुमार, क्योंकि कुमार को भी क्लैरिटी रहे कि विधानसभा लेवल पर नीचे उतरिए, वहां से अपनी विधानसभा जो पूरा करके आएगा उसको निश्चित रूप से फिर ये होगा अपने हिस्से की, अपनी का मतलब ये नहीं है कि कोई ये मान के चले अब तो मैं यहां से विधायक हो ही गया, अब तो शपथ लेनी बाकी है, विधानसभा खड़ी करनी है, विधानसभा में जो वहां संगठन खड़ा करके निकल आएगा वो और विधानसभा पे काम कर ले, वो जिले स्तर पे काम कर ले, जिले की विधानसभाओं पे या लोकसभा की विधानसभाओं पे जो खड़ा करके निकल आएगा वो राज्य में स्तर पे काम कर ले। पर मूल काम तो विधानसभा स्तर का था, और नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी जरूरत वहां कितनी सूक्ष्म बनाते चले गए, कितनी कम से कम करते चले जाए। मैं अगर दिल्ली से जाके सब कुछ दिल्ली पे डिपेंड करेगा फिर ठीक नहीं हुआ, जितना मेरी जरूरत वहां कम होती रहेगी, जितना कल कुमार की जरूरत वहां कम होती रहेगी उतना कुमार का नेतृत्व सक्षम रहेगा, जितना आप किसी विधानसभा में गए आपकी जरूरत वहां कम होती रहेगी उतना आपका योगदान है। योगदान आपका ये नहीं है कि आप पे डिपेंड कितना है, योगदान आपका ये है कि आप वहां खड़ी कराए टीम, आपकी जरूरत ही ना पड़े वहां अगले चुनाव तक, वहां जरूरत ही ना पड़े, इतनी बढ़िया टीम खड़ी करके आ गए। तो ये तब हो पाएगा जब हम ये बाउंड्रीज खत्म करेंगे, अभी कुछ मन में बाउंड्रीज दिख रही हैं। राजस्थान की जनता को ध्यान में रखिए, देश की जनता को ध्यान में रखिए। मैं निकल रहा हूं, तुम्हारा थैंक यू। सार्वजनिक तौर पे घोषित कर दिया गया कि जाओ आप चुनाव लड़िए, मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था,
लेकिन आप सबको पता है मैं 5 महीने लौटा नहीं, मैं अमेठी में रहा। मैंने फरसे झेले, गालियां झेली, मुकदमे झेले, आज भी मैं उनमें से 14 मुकदमे लड़ता हूँ। सुल्तानपुर जाता हूँ, अमेठी जाता हूँ, हर बार जाने में 1-1.5 लाख रुपया लगता है, वकील लगता है, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा, हम लड़े। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी जगह पर हैं और आपको कभी ऐसा अवसर मिलेगा, कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपका संगठन आपको आगे की स्थिति में लगा दे, तो आपको स्वीकार करना है। जैसे अन्ना आंदोलन के साथी यहां पर बैठे हैं, जब अन्ना आंदोलन में लोकपाल के ड्राफ्ट पे चर्चा होती थी, तब भी मैं विश्वविद्यालय में कॉलेज में नौकरी कर चुका था 14-15 साल की, हिंदी अंग्रेजी ठीक पढ़ता था, लेकिन अन्ना ने जो टीम बनाई थी उसमें मेरी जगह स्वामी निवेश जी रखे गए थे और साथी रखे गए थे। मेरा काम रखा गया था कि मैं माइक पर खड़ा होकर देश की जनता से संवाद अपने आंदोलन का करूं। तो हमने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि मैं क्यों नहीं मिलने जा रहा हूं केंद्र की सरकार से, जो साथ उसके साथी होते हैं, तो आपको उसमें लगना पड़ेगा। एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, तो आप ला पाते हैं तो पूरा उपयोग कीजिए, आप वॉइस ले जाइए, आप वीडियो ले जाइए, अपील करवाइए, सब कुछ करिए, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक, पोस्टर, बैनर, बिल्ला, झंडा, किसी पर फोटो नहीं लगेगा। और यह बात आज से राजस्थान प्रभार शुरू होते समय हो गई। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हो, अगर आपने ट्विटर बना रखे हो और आपको यह सूचना हो कि कुमार विश्वास आपके प्रभारी हैं, तो कृपा पूर्वक इतनी एहसान मुझ पे निजी रूप से कीजिए कि उसे हटा दीजिए मेरे चेहरे को। और जो साथी मैं इंट्रोड्यूस आपसे कराऊंगा, जो हमारे संपर्क में रहेंगे आपके और हमारे बीच की कड़ी में, उनके लिए भी यह समान आदेश जारी है। अगर किसी को इस न्यूनतम अनुशासन के साथ राजस्थान में काम करना है, दिल्ली के किसी साथी को या देश के किसी साथी को, तो आमंत्रित है। अगर उसे नहीं करना है तो उसके लिए और बहुत सारी जगह वहां जाकर वो करे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम क्या होगा? राजस्थान का चुनाव पहला चुनाव होगा आम आदमी पार्टी में जो सकारात्मकता के साथ लड़ा जाएगा। हमने बाकी चुनाव भी लड़े, लेकिन इसमें हम किसी के विरोध का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम महारानी हटाओ का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इस मॉडल का चुनाव लड़ेंगे कि राजस्थान में पानी की समस्या कैसे सॉल्व हो, रोजगार की समस्या कैसे सॉल्व हो, किसान की समस्या कैसे सॉल्व हो। ये हमारा मॉडल है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में चुनाव महारानी क्या है, 8 बजे के बाद वो क्या होती है, सुबह 8 बजे तक क्या होती है, ये जो जानते हैं, इसमें मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ेगा, लोग अपने आप जानेंगे। जैसे एक शराब की समस्या है राजस्थान, शराबबंदी के लिए हम वहां कहेंगे, वहां भाजपा के लोग कहेंगे, कांग्रेस के लोग कहेंगे, दिल्ली में तुमने बंद करा दी क्या, हमने नहीं। तो लॉजिकल आप बात करेंगे, यहां पर सकारात्मक बात करेंगे। एक बात और भी है, पार्टी में गणेश परिक्रमा नहीं चली। यहां कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं इस पार्टी और मेरे कुमार विश्वास हो जाने से पहले जानता हूं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को बता दूं कि मैं 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 21.5 साल की उम्र में जब पहली नौकरी राजस्थान में करने गया था, तो मैं हनीश के घर पर रहता था, मैं उनका किराएदार था। 1 वर्ष मैं उनके कमरे में, मकान में रहता था, एक खाट बिछा के। और उन दिनों में निजी रूप से तनाव में था, प्रेम के तनाव में था, असफल व्यक्ति था प्रेम में, तो इनका पूरा परिवार, इनकी माता जी, पिताजी मेरा ध्यान रखते थे। मेरी माँ कहती आई थी कि बेटा थोड़ा सा मानसिक रूप से प्रॉब्लम में है, कुछ उल्टा सीधा न कर ले, आप ध्यान रखना। ये पहले जानते, लेकिन आज से पूछ लो, अब भी पूछ लो, पूरे अन्ना आंदोलन के दौरान या पूरे पार्टी के विस्तार के दौरान, नितिन बता दे, मनीष बता दे, कोई बता दे, अगर मैंने उसके बारे में कुछ सिफारिश की, तो पार्टी गणेश परिक्रमा से ना, उसने की कभी, उन्होंने कभी नहीं किया, तो पार्टी गणेश परिक्रमाओं से नहीं चलेगी। अगर पार्टी में किसी को भ्रम है कि दिल्ली के किसी नेता की चमचागिरी करके, उसका फोटो लगा के, गणेश परिक्रमा करके वो अपने संगठन में पकड़ बड़ी बना लेगा, तो आज से इस भ्रम को छोड़ दीजिए, जब ना उसको छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं चलता। दूसरी बात है कि 18 महीने हमारे चुनाव में, इन 18 महीनों को मेरा प्रस्ताव ऐसा है, बाकी आप सब साथी तय करेंगे, हम 6-6 महीने के 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला 6 महीना संगठन निर्माण। आप कहेंगे 6 महीने संगठन निर्माण में क्यों, क्योंकि संगठन का मतलब ऐसा नहीं है कि विधानसभा में बैठक होती है 20 आदमी आते हैं। संगठन निर्माण का मतलब है आज से आंदोलन कल परसों से शुरू हो जाएगा, जिसकी आप भूमिका बना लेंगे। परिवार जोड़ो, गृहिणी जोड़ो, किसान जोड़ो, छात्र जोड़ो, युवा जोड़ो, व्यापारी जोड़ो, बुद्धिजीवी जोड़ो, कलाकार जोड़ो, आदिवासी जोड़ो, ये हर स्तर पर आपको बनाना पड़ेगा। हर विधानसभा में लोगों को उनकी जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी, लोगों को कहना पड़ेगा कि आप 4 लोग किसान जोड़ो आंदोलन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के, 5 कमेटी के 20 लोग मेंबर हो, और आप सब 200 किसान जोड़ के लाओ। आप सोचो कि 20 लोगों ने अगर 200 किसान जोड़े तो आपके पहली बार में 4,000 किसान होंगे। उन 4,000 किसानों का एक विधानसभा पे सम्मेलन जिस दिन होगा,
उस दिन आपको प्रदेश को बताना नहीं पड़ेगा कि आप आ रहे हो, आपके आने की तैयारी शुरू हो गई है। 4000 किसान अपना उस दिन किसान प्रकोष्ठ का संयोजक तय कर देंगे, किसान प्रकोष्ठ का मीडिया का आदमी तय कर देंगे, किसान प्रकोष्ठ का सोशल मीडिया का आदमी, जितने भी थोड़े बहुत किसान सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, उनका आदमी शुरू कर देंगे। आम आदमी पार्टी जहां से बनी थी, राजस्थान देखिए क्या है कि आज हम जहां पर हैं, दो बातें होती हैं, शरीर में बीमारी है, अब इस बीमारी के इलाज क्या है, इस बीमारी के इलाज क्या है कि इसमें एंटीबायोटिक डाले जाए। मैंने देखा कि दिल्ली को लेकर आप लोगों में काफी शिकायतें थी, आप में से बहुत सारे लोग मुखर होकर बोले मैं इसकी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और इस बात पर मुझे खुशी है कि अभी भी ऐसी आवाजें बची हैं। इन्हीं आवाजों के संरक्षण के लिए और इन्हीं के लिए मैं लगातार चिंतित रहता हूं, लड़ता रहता हूं, कष्ट सहता हूं। आज आप बोले तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपके अंदर जिज्ञासा है, बेचैनी है, और यह होनी आवश्यक है, क्योंकि अन्ना आंदोलन असहमत लोगों का समूह था, सहमत लोगों का समूह नहीं था, सिर्फ हाहा करने वाले लोगों का समूह नहीं था, असहमत लोगों का समूह था। हम असहमत लोग एक बात पे सहमत हुए कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और हम आगे चलेंगे, तो हमने उसका एक मिनिमम अनुशासन बना लिया, जैसे घर में बना लिया। जब हम इंजीनियरिंग छोड़ के कविता में लगे तो हमारे पिताजी ने कहा बाकी सब तुम जानो, अगर तुम शहर में हो तो 9 बजे घर पहुंचना है रात को, उसके बाद कह के चले जाना, वहां जा रहा हूं। तो मिनिमम अनुशासन था, हमने मान लिया। तो एक मिनिमम अनुशासन पार्टी का भी है जो सबको मानना पड़ता है, उसके अंदर रहना पड़ता है, उसमें कोशिश हम भी करते हैं, कई बार वो लक्ष्मण रेखाएं लंघती हैं, आगे पीछे होती हैं, उसमें जो प्रताड़ना मिली है, जो अपयश मिलता है, जो गाली मिलती है, वो सहते हैं, वो सब अपने अपने हिस्से हैं। तो एक तो बैक टू बेसिक इस बार ये चुनाव चलेगा। बैक टू बेसिक में क्या है, बैक टू बेसिक में यह है कि संगठन नीचे से ऊपर बनेगा, ऊपर से नीचे नहीं बनेगा। अगर आज मैं ये कह दूं कि फलां विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष पूनम जी हैं, कि नीतीश है, कि सुनील भाई हैं, कि विजय जी हैं, तो हमने उस विधानसभा में संभावनाशील नेतृत्व निकलने की जो संभावना थी वो समाप्त कर दी। उस विधानसभा को पता चल गया कि आज इसके खैर का फलाने जी हैं, अब इनसे आगे बताना को, और पृथ्वी वीरों से खाली कभी नहीं। जिसको भी यह भ्रम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी ने उसी के लिए वीर प्रस्तुत करके कहा कि देख ये खड़ा, इसे मिल कि तुझसे भी बड़ा है। तो पहली बार ये हम कोशिश करेंगे आप सबके नेतृत्व में, आप सबके साथ मिलके, कि संगठन नीचे से ऊपर बनेगा पिरामिड की शक्ल में। अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले ऊपर एक व्यक्ति होता है, बनेगा नीचे पार्टी कहां है, उसे 10 की बना लो, 20 की बना लो, 40 की बना लो, जितने लोग मेंबर हो वो सब बन जाओ मेरे से उसमें, और हर आदमी का लक्ष्य सामने लिख लो। एक विधानसभा का मॉडल है, उस विधानसभा में आपने 20 आदमियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली, अब उनसे कहो जाओ संगठन बनाते हैं, ये किसान जोड़ो, परिवार जोड़ो, छात्र जोड़ो, व्यापारी जोड़ो, आप लेके आओ अपना आदमी कौन है। अब 20 आदमी थे, उनमें से एक आदमी 7 आदमी लेके आया, एक आदमी 800 आदमी लेके आया, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 800 वाला नेता है, 800 वाला अपने आप नेतृत्व संभाल लेगा, जनता उसे अपने आप नेतृत्व दे देगी। तो पहली बात तो ये वहां से चलेगा। दूसरा, फंड हो, एजेंडा हो, सब आप तय करेंगे। जिन लोगों ने भी ये कहा है कि राजस्थान की एक यास कुमार विश्वास बिल्कुल गलत नारा है, आज से लगाना बंद कर दो। जब तक आप मेरी तरफ देखोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो ये दिन देखना चाहता हूं कि अगर सीकर में सभा हो, अगर दौसा में सभा हो, लालसोट में सभा हो, मैं वहां जाऊं तो मेरे लिए जितनी तालियां बजे उससे ज्यादा स्थानीय तक ने तालियां बजे कि ये स्टार है, ये जो है, और ये हमारे यहां होता रहा। मैं निजी रूप से राजस्थान से पिछले शुरुआती 10 वर्षों में जुड़ा रहा। किसी भी प्रदेश आपके दो संबंध सबसे बड़े होते हैं किसी भी जमीन से, एक रोटी का, एक बेटी का। राजस्थान का मेरे ऊपर यह एहसान है कि राजस्थान ने मुझे रोटी दी, पहली नौकरी दी, और दूसरा एहसान यह कि मेरा परिवार, मेरी पत्नी, राजस्थान की कृपा है, राजस्थान की लड़की मेरे घर में है और मेरी पत्नी है और मेरा परिवार बड़ा प्रसन्न है, और मेरी प्रगति के पीछे और मेरी जो भी सकारात्मकता है, जो भी पॉजिटिविटी है, उसके पीछे उस महिला का हाथ है, उसके अंदर संघर्ष को झेलने की जो क्षमता राजस्थान में दी गई है उसके माध्यम से आया। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, दिल्ली के साथी भी यहां है, सोशल मीडिया के साथी भी हैं, और ये फेसबुक पे लाइव जा भी रहा है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि राजस्थान का अगर इतिहास आपने पढ़ा है, राजस्थान की कोई लड़ाई दिल्ली से कभी नहीं रही पिछले 600-700 साल, उसकी लड़ाई रही दिल्ली के वर्चस्ववाद के खिलाफ। उन्होंने कहा तुम अपनी दुकान वहां चलाओ आराम से, हमारा ये जगह है, हम यहां अपने घोड़े लेके मत आओ, और अगर यहां अपने घोड़े लेके आओगे तो अरावली के दिन पहाड़ों पर कुछ नहीं होता, उनकी रक्षा के लिए भी हमारे पूरे के पूरे वंश कटेंगे, हम 100 साल तक लड़ेंगे, 500 साल तक लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इतनी छोटी सी राजस्थान की निजी स्वाभिमान और निजी स्वतंत्रता और निजी चेतना को लेकर लड़ाई है। इसे जितनी जल्दी हमारे साथी समझ लेंगे, हम भी और आप भी,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान आम आदमी पार्टी एक स्वतंत्र संगठन हो गया, एक आम आदमी पार्टी है, एक राजस्थान आम आदमी पार्टी, ऐसा भी नहीं। ऊपर से जो बातें तय हुई, आपने जो भी दुश्चिंताएं प्रकट की, आपने जो भी नाराजगी प्रकट की, पीएससी के बारे में प्रकट की, नेतृत्व के बारे में प्रकट की, मेरे बारे में प्रकट की, कुछ लोगों ने मुझसे कहा, एक साथी लेट आए थे, कि आप लेट क्यों बोल रहे हैं, आपको एक महीना पहले बोलना चाहिए था जब आपको प्रभार मिला। मैंने आपको शुरू में स्पष्ट करा कि मैंने इसीलिए बोला कि पहले नेशनल काउंसिल में मैंने नेशनल एग्जीक्यूटिव में अपने साथियों से, अपने नेताओं से संवाद किया, उन्होंने कहा निश्चित रूप से राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा, उसकी दृष्टि से आप काम शुरू करिए। तो राजस्थान में 6-6 महीने के 3 पीरियड हमको तय करने हैं। पहला 6 महीने संगठन निर्माण, जब संगठन बन जाएगा दूसरा काम है पार्टी का संदेश नीचे तक पहुंचाना। जब तक आपने पाइप नहीं डाला है पानी पहुंचेगा नहीं, तो पहले तो ये पाइपलाइन डालनी है, संगठन की पाइपलाइन। यानी कि अगर जयपुर में बैठकर आप ये तय करें कि अगले 17 घंटों में 12 घंटों में ये बड़ा आंदोलन होना है, तो जैसलमेर की आखिरी विधानसभा पर वो सूचना पहुंच जाए, न केवल सूचना पहुंच जाए बल्कि उस विधानसभा के 450-500-600 साथी सन्नद्ध हो जाए, तैयार हो जाए कि भाई राजस्थान में जयपुर का ये आदेश आ गया और जयपुर का ये आंदोलन आ गया, इसे उठा के ले जाना है, तो पहले पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। दूसरा, 6 महीने आपको संदेश नीचे पहुंचाना है, और आखिर के 6 महीने या 5 महीने जो भी बचे हो वो आपको चुनाव की तैयारी में लगाना है, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। एक साथी ने सुझाव दिया कि जो यहां बैठे हैं जी वो संगठन में रहे और वो चुनाव न लड़े। मुझे ऐसा लगता है आप लोग तय कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव भी इसी राजनीति का एक हिस्सा है, संघर्ष के और सत्ता के साथ ही अलग होते हैं, ऐसा लोहिया जी कहते थे। हमारी पार्टी का राजस्थान का प्रयास रहना चाहिए कि हम इस इक्वेशन को बदलें, संघर्ष के साथ ही और जो सत्ता में निर्माण करके तय करेंगे कैसे राजस्थान चले, कैसे दिल्ली चले, वो एक ही होने चाहिए, अन्यथा वो अलग अलग हो जाते हैं तो बड़ा बड़ा गड़बड़ हो जाता है। उस गड़बड़ के हम भुक्तभोगी भी हैं और देश की राजनीति उसकी भुक्तभोगी है। तो इसलिए चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये आप लोग तय कर लें। हाँ, एक मिनिमम बात जरूर तय कर लें जो पिछले चुनाव में हम तय नहीं कर पाए, विनेबिलिटी के छाते के नीचे। अगर 6 महीने में संगठन बन जाता है, अगर 6 महीने में हम गांव ढाड़ी पहुंच जाते हैं, तो राजस्थान विधानसभा का पहला चुनाव जो आम आदमी पार्टी लोकसभा के बाद लड़ रही है, वो यही व्यक्ति लड़ पाएगा जो कम से कम पार्टी से 1 वर्ष जुड़ा हुआ हो, 1 साल की उसकी सदस्यता होनी चाहिए। इसका प्रयोग यह है कि चुनाव में आपका माहौल बन जाए, ईश्वर करे, और 1-1.5 महीने पहले सचिन पायलट को कांग्रेस की कमान मिलने से नाराज अशोक गहलोत जी भी अगर कहें कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं, तो हम उनसे कहें कि आपको लोकसभा लड़ाएंगे, फिलहाल आप जोधपुर विधानसभा के प्रत्याशी के पीछे खड़े हो जाइए, वहां जाके काम करेंगे। तो आप 1 वर्ष का मौका दें, इसे इस आड़ में मत खपाइए कि साहब इसकी विनेबिलिटी है, यह हम करके देख चुके हैं। 2 प्रकार की राजनीति, एक पारंपरिक राजनीति, एक बात साफ समझ लीजिए, इस देश के लोगों ने, इन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने आपको विपक्ष की राजनीति के लिए नहीं चुना था, आपको वैकल्पिक राजनीति के लिए चुना था। और जब तक आप वैकल्पिक राजनीति के रास्ते में चलते रहेंगे, लोग आपको नमस्ते करते रहेंगे, लोग आपका काम करते रहेंगे, लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जिस दिन आपने टिपिकल विपक्ष की राजनीति की, उस दिन लोग आपसे असहमत हो जाएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो राजस्थान में ये 6-6 महीने का काम मैं मान के चल रहा हूं, ये चलेगा। दूसरा, एक बात और बता दूंगा, मैं पार्टी में क्या काम देखता हूं और मैं पार्टी में कैसे जीता हूं। यह पार्टी कार्यालय है, 2 बार हमने चुनाव दिल्ली में जीते हैं, इसको बार बार अपने कार्यकर्ताओं से दोहराता हूं। यह हमारा विधायक छोटा भाई बेटा पहले कार्यकर्ता था, फिर बाद में विधायक हो गया है, कल को कुछ और भी हो सकता है बड़ा। इसकी सरकार जानती है मैंने इस सरकार में 2 बार में सेक्रेटरियट में चाय नहीं पिए, और यही आत्माभिमान यही स्वाभिमान आपके अंदर भी पैदा होना। सरकारें आएंगी जाएंगी, कार्यकर्ताओं से सरकार बनती है, सरकारों से कार्यकर्ता नहीं बनते, और जो सरकारों से कार्यकर्ता बनते हैं वो सरकारों के भगने के बाद भागते देखे हमने। सरकार निपटी नहीं है वो दिखे, वो निकल जाते हैं वहां तक। तो डबल रिपोर्टिंग नहीं चलेगी, डबल रिपोर्टिंग नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। अगर आपको कोई समस्या है तो हम कम्युनिकेशन का एक मॉडल डेवलप करेंगे, वो आप रखिए। आज आपने मुझसे कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में और पीएससी को राजस्थान का एक आदमी होना चाहिए, मैं आपके पीएससी प्रतिनिधि के नाते अगली पीएससी मीटिंग में ही ये बात जोर शोर से रखूंगा और कहूंगा कि रखना चाहिए। अब रखना कैसे चाहिए, मैं नहीं तय करूंगा कि ये पूनम जी बन जाए कि ये चले जाए, नहीं, आप संगठन बना लीजिए पूरा, जिस समय संगठन बना ले उस दिन आप कराइए। मैं तो कहता हूं आप एक दूसरे के साथ मिलकर कह दें बहुत अच्छा है, नहीं कह पाएंगे आप चुनाव कराइए, हम पर्यवेक्षक भेजेंगे।
आप वोटिंग कराइए, आप बैलेट वोटिंग कराइए, आप बैलेट तैयार करिए। बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े जैन समाज के कार्यक्रमों में, स्कूलों में, मैनेजमेंट के कॉलेजों में वोटिंग होती है, चेयरमैन बनते हैं। और अमेरिका में तो जो आदमी विपक्ष में लड़ता है वो बाद में सरकार में आकर सहायता भी पहुंचाता है, क्या दिक्कत है। सो हम सब लोग अगर पीएससी में मेंबर भेजना चाहते हैं एक, अगर एनी में भेजना चाहते हैं दो, तो उनके लिए भी यही है कि आप एक संगठन तैयार करें। डबल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? अगर आप मुझसे असहमत है, मेरे किसी काम से असहमत है, तो मुझे कह दीजिए, मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। आपको असहमति लगती है आप ऊपर भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से पार्टी चलेगी वो आप लोग तय करेंगे, हम लोग नहीं तय करेंगे। दो तरह के नेता कार्यकर्ता मैंने देखे हैं राजनीति में पिछले इतने वर्षों में। 1980 के बाद से मैं राजनीति को ध्यान से देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए मीसा में, तो मुझे छोटा था तो मुझे अंदाजा हुआ कि राजनीति क्या होती है। पिताजी क्यों जेल चले गए, प्रोफेसर है क्यों चले गए। एक है ग्रास रूटर्स और एक है पैराशूटर्स। एक तो वो है जो जमीन फोड़ के बाहर निकलते, जिनके लिए आवश्यकता नहीं होती कि वो चौराहे पे खड़े हो जाए तो 500 आदमी आ जाए, जिनके लिए आवश्यकता नहीं होती कि वो किसी चैनल पे चले जाए कहीं भी बोले तो बोल दें। एक होते हैं पैराशूटर्स जो पैराशूट से आते हैं। वो पैराशूटर्स सदा ये चाहते हैं कि पैराशूटर्स का बहुमत हो जाए, क्योंकि इसी में उनकी चलती है, उन्हें उसी कमरे में 7-8 लोगों से बात करके आगे काम निकाल लेना है। ग्रास रूटर्स सदा चाहता है कि चल मैदान में चलते हैं, वहां देखते हैं क्या हो रहा है। तो पार्टी को ग्रास रूटर्स पे लाना पड़ेगा आपको। अगर आप पैराशूटर्स पे लाए तो पार्टी कमरे में चल के कमरे में खत्म हो जाएगी। ट्विटर पे चुनाव लड़ोगे, फेसबुक पे जीत जाओगे, यूट्यूब पे शब्द ले लोगे, ये नहीं चल पाएगा। अगर आपको जमीन पे चुनाव लड़ना है, अगर आपको जमीन पे पहुंचना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहला काम। और दूसरा, किसी साथी ने ये कहा कि जी जो सोकोल्ड बड़े नेता हैं वो पहले गांव जाए और गांव करें, बिल्कुल जाए, मैं तो मानता हूं गांव जाए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो गांव जा सकता हूं वो गांव जाए। वो लड़का हमारे साथ, हमारा साथी बैठा है किसी बैंक में, वाइस प्रेसिडेंट का काम करता है, अभी कहां है वो बैठा है, वो साथी कहता है कि भाई मैं तो ट्विटर देख सकता हूं, वो ट्विटर ट्रेंडिंग जानता है, वो आपकी बात को कम्युनिकेट करना जानता है, उसकी इसकी एक्सपर्टीज है। अब मैं उससे जबरदस्ती कहूं कि तू सूरतगढ़ के पीलीबंगा के पास के गांव में जाके वहां पहले आदमी बना के आ, ये तो गलत बात है। ये तो आपको ही सोचना चाहिए कि जिसका जो काम है, जैसे आप पार्टी के प्रवक्ता बनाएंगे साहब, आप ढूंढिए, आप राजस्थान में ऐसे लोग ढूंढिए जो बहस में जाए और ईटीवी पे जाए, जी राजस्थान पे जाए और वहां कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता की मुंह बंद करके आए, तब वो हम बनना। अब उस प्रवक्ता से आप कहिए जिसको शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक हर चैनल पर बैठना है, जिसके घर 10 ओबी वैन लगी रहती है। और आप अभी भाजपा में आप देखिए कई प्रवक्ता है, 5 बजे से बैठते हैं 11 बजे तक बैठते हैं, टीवी कैमरा देखते देखते आंखें भी गोल हो गई है उनकी, ऐसी गोल गोल सी हो गई है, वो बैठे रहते हैं, वो 24 घंटे उनका काम ही है। वो महा मतलब नाम क्या लेना, वो जिस भी मात्रा के होने, लंबे समय कैसे हो, वो बैठे रहते उनका काम ही है। तो उनका काम कोई कम नहीं है। अब आप उनसे कहिए कि वो जाके तमिलनाडु में संगठन बनाते हैं, क्यों नहीं बनाएंगे, वो क्यों बनाएंगे, उनका काम पार्टी ने दिया है। तो आप लोग अपने हिसाब से तय कर लें। एक मोटा मोटी यहां पर एक छोटा सा हम एक सेक्रेटरिएट बना देंगे राजस्थान का, जिसका काम केवल संपर्क होगा, जिसका काम ज्ञान देना नहीं होगा। क्या आपको वो ज्ञान दे कि भीनमाल में क्या होना चाहिए? अब आदमी तो है वो बनारस का, हमारा पुराना साथी, उससे मैं कह रहा हूं कि भीनमाल की एक विधानसभा सभापति, तुम्हें क्या पता भीनमाल में क्या होना चाहिए, वो जाके वहां, तो उसका अनुभव है राजनीति को लेकर, पार्टी को लेकर। जैसे अभी जो साथी बोले, मुझे उनका लगा उन्हें पार्टी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है और बहुत कुछ चीजें उनके छूट गई है। जैसे एक साथी ने कहा कि साहब आपकी आधे टाइम तो 3-4 बार वो चलती रहती है भाजपा वाली, आधे तो हमारी पार्टी वाले ही चलाते हैं, आधा तो उन्हीं का काम है कि मैं चला दो। हमें नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी परम इच्छा है कि ये और मरे तो काम खत्म हो, बाकी तो हो गया, यूं और चला जाता है यहां से। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये छोड़ के जाए हम छोड़ के नहीं जाएंगे। हमने पति ने तो बनाई, हमने तुम से बनाई, हमने अपने पैदा नहीं करा पार्टी के लिए, जिन्होंने करा वो जाए छोड़ के, वो करें, उनको पकड़ेंगे, उनको दबोचेंगे, ऊपर सर्वोच्च नेतृत्व से नीचे तक हम सदा यही बात कहते हैं, हम भ्रष्ट हो जाए हमें निकाल दो, आप भ्रष्ट हो जाए हम आपको निकाल लेंगे। सहकार पे चलेगी, इसलिए इससे विचलित नहीं होना, क्योंकि जब भी कोई काम करो आप ये सोचना कि 2010-2011 में वो जो करोड़ों भारतीय थे उनके सपनों के साथ छल नहीं होना चाहिए। एक बात साफ समझ लीजिए, अगर ये आंदोलन फेल हुआ तो अगले 30 वर्ष लोग यकीन करना बंद कर देंगे, कोई आंदोलन नहीं होगा। 1974-77 के आंदोलन के बाद पहली बार हम आंदोलन की मुद्रा में आए। और आपको बता दो, मुझसे किसी ने कल परसों कहा, मैं बहुत मन से बता रहा हूं,
कि कहीं आपके साथ अमेठी पार्ट टू तो नहीं किया जा रहा, जैसे अमेठी भेज दिया गया, वहां पांच महीने कोई आया नहीं, मैं मरता रहा, आपको राजस्थान भेजा जा रहा है। मैंने कहा मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, जिस समय 74 के आंदोलन के बाद कांग्रेस के षड्यंत्रों से जनता पार्टी विफल हो गई और अपने कर्म भी विफल हो गई, जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, वो कन्याकुमारी से दिल्ली आए, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था मेरी संसदीय यात्रा, उनसे एक बड़े पत्रकार है राम बहादुरा, उन्होंने पूछा कि आप भाग रहे हो दिल्ली से, उन्होंने कहा भागता तो जब दिल्ली से कन्याकुमारी जाता, मैं तो कन्याकुमारी से दिल्ली से आ रहा हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो महलों के षड्यंत्र की आदि है, उनकी एक्सपर्टीज उसमें है, मैं लड़ाई का मैदान बदल रहा हूं। तो आप अगर सहमत हो तो हम राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सोच की लड़ाई का मैदान बदल देंगे, हमें बताएंगे कि राजनीति ऐसे हो सकती है, ऐसे जाया जा सकता है, ऐसे काम किया जा सकता है, लेकिन वो तब होगा जब आप कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग ये चाह रहे हैं उन्होंने भी कहा कि आपको वहां रहना पड़ेगा, मेरे रहने से नहीं चलेगा सर। अभी मैं अल्बर्ट हॉल गया था कवि सम्मेलन पढ़ने, दो कवि सम्मेलन पढ़ने 50,000 आदमी आए थे, वो 50 फिर आ जाएंगे, पर वो 50 मेरे जोड़ने से नहीं जुड़ेंगे। आप इतना बना लो कि आपके पास जब 500 हो आप मुझे पुकारो, आप हमारी पार्टी के किसी नेता को पुकारो, हम आएंगे, हम उन 500 के 5,000 करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात कहके, अपना संवाद कहके। अगर उस चमत्कार में कुछ लोग आते हैं मिलने के लिए, कुछ लोग जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से। तो पहले 6 महीने संगठन निर्माण के बाद मैं ये चाहूंगा कि आप इस संगठन को ऐसी स्थिति पर ले आए कि फिर हम संदेश को नीचे पहुंचाने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि आज जो संगठन हमारे पास है, अगले 10-15-20 दिन में जब भी हम इस पर चर्चा करेंगे, मैं दिल्ली में चुनाव लड़ चुके अपने कुछ साथियों से भी अनुरोध करूंगा, उनसे बात कर रहा हूं मैं, कि वो आए, पुराने सबसे पुराने साथी आए और वो इस पर चर्चा करें और उसी स्तर पर कमेटी बनाई जाए। मुझे प्रस्ताव भी बहुत अच्छा लगा कि एनी से लेके पीएसई तक और नेशनल काउंसिल तक का जो मॉडल केंद्र पर है वही मॉडल राजस्थान में भी उतार दिया जाए, ताकि राजस्थान में भी आए मामला, स्वराज की स्थिति वापस लौटे, वर्चस्ववाद समाप्त हो, व्यक्तिवाद समाप्त हो। और वो तभी हो सकता है जब अभी प्राथमिक तौर पे एडहॉक कुछ कमेटीज बना दी जाएं, कि ये एडहॉक कमेटी सोशल मीडिया की है, ये एडहॉक कमेटी फंड की है, ये और उस एडहॉक कमेटी की कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब उसमें आपका सबसे पहला परीक्षा यह है कि अगर 22 लोगों की एडहॉक कमेटी जयपुर में बन गई, प्रदेश की, चलिए 22 की बन गई, 25 की बन गई, 32 की बन गई, क्या वे 32 लोग दिन भर बैठकर शाम तक किसी निर्णय पर आ सकते हैं या नहीं? अगर वे शाम तक निर्णय पर नहीं आ सकते सर जी, फिर चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर 32 लोग एक दूसरे के साथ मिलकर यह तय नहीं कर पा सकते कि चलो हमने अपनी पर्सनल ईगो छोड़ी, आप बड़े हो जाओ, मैं छोटा हो जाता हूं, आप ऐसा करो, क्योंकि उन 32 के 32 लोगों को, उन 25 के 25 लोगों को एक एक लोकसभा बांटनी पड़ेगी। तो दिल्ली से जो भी लोग होंगे वो 200 विधानसभाओं के ऊपर एक एक पर्यवेक्षक होगा, ऑब्जर्वर नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं देगा, कोई ज्ञान नहीं। जैसे मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं आपसे, आज राजस्थान सोशल मीडिया के लिए सबसे बड़ा दिन है कि राजस्थान की एक बात चल रही है, लेकिन पार्टी एक बड़ा एजेंडा लिए हुए कि पार्टी किसानों का आंदोलन कर रही है। अगर पार्टी का कोई बहुत ही प्रेस्टिजियस मामला अड़ गया हो तो उसके माध्यम से हम सोशल मीडिया को मेंटर कर सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया अपने हिसाब से चलेगा। अगर उसे लगता है कि नीमच से लगने वाले क्षेत्रों की वजह से किसान आंदोलन हमारी प्राथमिकता में राजस्थान वाला है तो राजस्थान का चलाएंगे और राजस्थान को आगे लेके जाएंगे। तो जितने भी वो 200 लोग हो, उसके बाद लोकसभा पर एक एक व्यक्ति हो जो उन 8 विधानसभाओं से बात कर सके और उन 5 विधानसभाओं के ऊपर एक व्यक्ति हो। यह केवल इसलिए है कि अगर 200 विधानसभाओं में 200 लोग काम कर रहे होंगे तो इन 40,000 लोगों से दिल्ली का कार्यालय सीधे संपर्क नहीं कर पाएगा, ना मैं कर पाऊंगा, ना मेरा ऑफिस कर पाएगा, ना पार्टी का ऑफिस कर पाएगा। तो ये जो लोग हैं 200-250 जो आपसे संपर्क अब करेंगे आने वाले 1.5 महीने में, जो आपसे जुड़ेंगे, इनका काम केवल ऐसा है। और इसमें भी दो बातें मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथी इसे देख रहे हैं, जो भी इसमें आएंगे पूरे देश से जो लोग हमें मिलना चाहते हैं, अब राजस्थान में काम करना चाहते हैं, मैं उदयपुर जाऊंगा अगर कवि सम्मेलन करने के लिए, शो करने के लिए, तो आयोजक मुझे लेक पैलेस में ठहराएगा, सुवेट में मैं ठहरूंगा। अगले दिन पार्टी की संगठन की मीटिंग होगी उदयपुर संभाग में, कुमार विश्वास से लेकर विधानसभा पर्यवेक्षक तक के लिए नियम है कोई होटल में नहीं ठहरेगा, कार्यकर्ता के घर ठहरना पड़ेगा या पार्टी ऑफिस में ठहरना पड़ेगा। कार्यकर्ता राजस्थान बहुत अतिथि से भी जगह है, मैं वहां रहा हूं 10 वर्ष, उन्हें बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना। ये स्पष्ट है कि आप होटलों में, फार्म हाउसेस में नहीं ठहरेंगे, जो पहले कभी आपने ऐसा किया हो किसी भी प्रदेश में किया हो वो अब नहीं चलेगा। अगर मुझे भी मीटिंग करनी चाहिए, जैसे मीटिंग का लक्ष्य यह है कि जो संभाग
100% बूथ कर देगा। मैं 10 यूथ नहीं कह रहा, एक बूथ पे 2 आदमी तो दे दोगे। जो पहले दे देगा और उसकी रैंडम चेकिंग से सही पाया जाएगा, उस संभाग में एक दिन बिताने के लिए मैं आऊंगा। सुबह से शाम तक रहूंगा, रात को वहीं रुकूंगा, खाना आपके साथ खाऊंगा। लेकिन अगर कार्यक्रम के लिए आओगे, अपने निजी कार्यक्रम के लिए, उस समय आप रामनिवास में ठहरो चाहे राजनिवास में ठहरो। लेकिन अगर दिल्ली का कोई भी पर्यवेक्षक जाएगा, दिल्ली की सोशल मीडिया टीम जाएगी, दिल्ली के लोग जाएंगे या जहां के भी लोग जाएंगे, वो होटलों में नहीं ठहरेंगे। दूसरा, राजस्थान इकाई दिल्ली के ऑब्जर्वर्स पर, कुमार विश्वास से लेकर नीचे तक, किसी पर 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है। जिसकी क्षमता हो, जिसका मन हो, राजस्थान का एहसान दिल्ली पर हजारों वर्षों का है, शताब्दियों का तो कम से कम है, 500-600 साल तो आपने हम पर एहसान किया। जिसको लगता हो कि राजस्थान अपनी लड़ाई लड़ रहा है पानी की, राजस्थान अपनी लड़ाई लड़ रहा है सुशासन की, राजस्थान लड़ाई लड़ रहा है अपने अपनी तेजस्विता की, इसमें हाथ बटाना है मुश्किल काम जरूर है, अपना पैसा लगा के जाना मुश्किल काम जरूर है, लेकिन हम आपस में कुछ करें, कोऑर्डिनेशन करें, आपस में कोई फंड इकट्ठा करें, एक दूसरे को साथ ले जाएं, जिसके पास ज्यादा हो दूसरे को कर दे, जिसके पास कम हो वो बता दे, ऐसे लोग साथ में आए जो खुद जा सकें, खुद रह सकें, खुद बात करके यहां आ सकें। उसके लिए यह संभव नहीं है कि राजस्थान यूनिट पैसे दे या दिल्ली की केंद्रीय यूनिट उस पर पैसा खर्च करे। यानी कि देश भर को पैसा देने वाला भामाशाहों का प्रदेश, पहला आम आदमी पार्टी का फंडलेस दिल्ली की ओर से प्रदेश होगा। ना हम आपसे लेंगे, ना हम आपको देंगे। आप इस पर स्वीकृति लगाएं, आपको लगता हो ये ठीक है तो आप मुझे बताएं कि हम ना दिल्ली से आपको 1 रुपया देंगे, ना दिल्ली वाले आपसे कोई 1 रुपया खर्चा करवाएंगे। तो ये मोटा मोटी मैंने कुछ बातें सोची थी कि आपसे सहमत होनी है। इसमें NRI सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान में, जो पूरी दुनिया में, और पंजाब में हमने जैसा भी प्रदर्शन किया उसमें ओवरसीज विंग का काफी योगदान था, तो इसके लिए भी एक चर्चा हम करेंगे। कुछ एक बात मुझे लगा है कि साथियों में नकारात्मकता है, थोड़ी सी उदासी है, थोड़ी सी ऊब है, कहते कुछ भी रही है। वो हमारे माइनॉरिटी सेल के हमारे साथी जी ने कहा भी था कि कहते कुछ भी रही, उदासी तो है। एक मैच जीतने पर आप जब तिरंगा लेके बाहर निकल आते हैं तो वो भारत की ऑफिशियल क्रिकेट टीम भी नहीं, BCCI हिंदुस्तान की कोई संस्था नहीं है, कंपनी है, क्लब है, कंपनी लॉ में भी नहीं चलती वो, फिर भी आप पूरा देश झंडा लेके और रामलीला मैदान और कनॉट प्लेस और क्या कहते हैं स्टैचू सर्कल जयपुर में आप मोटरसाइकिल पर निकल जाते हैं। क्यों? चूंकि आपको उत्साह आता है। और एक मैच हारते ही आप 2 रोटी कम खाते हैं तो आप निरुत्साहित होते हैं। हमने मैच हारे, हमने पंजाब हारा है, हमने MCD हारा है, हमने राजौरी का बाईपोल हारा है, हमने MCD का बाईपोल हारा है, सिवाई से सारा हमने काफी चुनाव हारे हैं, हमारे लिए खुशखबरियां नहीं आई। अब 19 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव पड़ रहा है, तो राजस्थान के रणबांकुरों से यह अनुरोध है कि आपके पाले में अब गेंद है कि पार्टी को आप दोबारा जिंदगी उतनी देने की हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते। चुनाव आपका नहीं है, चुनाव आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का है, यह चुनाव आम आदमी पार्टी के एग्जिस्टेंशियलिज्म पर है। अगर आप लड़ पाए अच्छे से, हम सब लोग मिलके पूरी कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ लड़ेंगे। दिल्ली के जितने भी साथी हैं, सबसे मैं कोशिश करूंगा, सबसे बात करूंगा, सबके दरवाजे जाऊंगा, सबको बुलाऊंगा कि आपकी जरूरत है राजस्थान में, चलिए। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से के नीचे तक के कार्यकर्ता सबसे कहूंगा, अगर हम वहां लड़ पाए अच्छे से और एक रिमार्केबल हम जीतवा निकाल पाए, एक रिमार्केबल नंबर निकाल पाए, तो फिर 19 में जो लोकसभा आ रहा होगा उसके लिए 25 सीट यहां की, 7 सीट दिल्ली की और 13 सीट पंजाब की, 45 सीट का एक बल कैसा होगा जहां आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ रही होगी और पार्लियामेंट में एक अच्छे नंबर के साथ हम अंदर जा पाएंगे। यानी कि राजस्थान का चुनाव केवल राजस्थान का नहीं बना, हमारे अस्तित्व का चुनाव बन गया, और तभी हम दिल्ली विधानसभा में भी खड़े होने लायक हो पाएंगे, क्योंकि हम राजस्थान में कुछ कह रहे होंगे। इसलिए आज की पहली इस ऐतिहासिक मीटिंग में जो लोग बैठे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं कि मुझे आपको यहां बुलाना पड़ा, मुझे आना चाहिए था, लेकिन मेरा कहना यह था कि पहले एक बार साथियों से सुन लें। और आज पिछले 4 घंटों से अधिक के समय में जिस तरह से आप भूले हैं, जिस तरह से आप सबको सुना गया है, और सारे साथियों ने कहा है कि यह पहली बार हो रहा है कि सुना गया है, मैं चाहता हूं इस परंपरा को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन इसकी नौबत ही ना आए। झगड़ा हो तो आपस में झगड़ा ना जी, आप मेरे को ऐसा कर दिया जी, मेरे को वैसा कर दिया, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल आप अपनी बनाए, लोकपाल आप अपना बनाए, दिल्ली टंटा निवारण केंद्र थोड़ी है कि 4 आदमी झगड़ा हो गया, 2 इधर से गाड़ी भी है, 2 इधर से गाड़ी भी है, दिल्ली आ गए, देखो कुमार जी क्या हो रहा है, देखो साहब नितिन जी क्या हो रहा है, ये सब नहीं चलेगा। आप स्वयं ही लड़ेंगे, स्वयं ही जाएंगे, स्वयं ही करेंगे, नाराज होंगे, टूट फूट होगी, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बने रहेंगे, बात वहां पहुंचेंगे। यही मुझे थोड़ी थोड़ी सी दो चार बातें कहनी थी। इसके लिए मैं 2-4 लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा जो आपसे संवाद में रहेंगे इस कार्यक्रम के बाद। मैं लोगों से मिलवा दूंगा कि ये ऑफिस है, ये ID है, यहां भेज सकते हैं,
यहां काम कर सकते हैं। और एक बात जो मैंने सीखी है, तुलसीदास जी ने कहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथों है। नेता पोस्टर में फोटो चिपकाने से और किचन कैबिनेट में आने से और चमचागिरी से नहीं बनता। नेता ईश्वर और उसका सत्य बनाता है। जब बनता है तो बनता है, दुनिया देखती है कि नेता बन गया, उसके पीछे बनता है। इसलिए इस भ्रम में कोई मत रहना। आप सब वरिष्ठ लोग हैं, बहुत बहुत साल की, मेरी जितनी आयु नहीं है उससे ज्यादा समय का आपका काम है। आप जैसे मनोरंजन जैसे लोगों का, आप सब जैसे लोगों का बहुत मैं सीरियस देख रहा हूं। इनका तो इतने साल की प्रैक्टिस जितना मेरी आयु है टोटल। ये कहेंगे लड़का हमें क्या कहें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब नेतृत्व पैदा होता है, प्रकृति किसी को नेता बनाती है, तो उसमें करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं, लाखों कार्यकर्ताओं का पसीना और हजारों लोगों की हिम्मत और मेहनत लगती है, तब जाके एक नेता बनता है। वो नेता अगर गलत करता है तो वो उन करोड़ों लोगों के लिए उत्तरदायी है कि तुमने गलत कर दिया यार, हम तो क्या सोच के बैठे थे। इसलिए अगर आप में से नेतृत्व निकलेगा, अगर इस हॉल में बैठे हुए लोग अगले कुछ वर्षों बाद राजस्थान के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो सीट के इस पार बैठने वाले किसी आदमी की औकात नहीं है कि आपको बना ले, और किसी आदमी की औकात नहीं है कि आपको रोक ले। जो बनेगा वो बनेगा। जैसे मुझसे मेरे साथी ने कहा, ये मैं जानता हूं, आपने कहा खबरें छपती हैं, मैं सब जानता हूं कहां छपती हैं, इसके खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी जन स्वीकारता जन स्वीकारता है। आप जनता में जाइए, लोग आपको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर नेतृत्व है। अगर कोई नेता बना है, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, मेरी पार्टी में हो, किसी पार्टी में हो, तो ईश्वर ने उसे कुछ ना कुछ तो दिया है, कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ है, उसने कुछ ना कुछ तो मेहनत की है। तीन चार चीजों से चुनाव जीते जाते हैं, एक है संगठन, एक है विचार और एक है व्यक्ति। ये तीनों आपको खुद करने पड़ते हैं। राजस्थान की एक यास, कुमार विश्वास, इस पर राजस्थान नहीं जीता जा सकता। चाहे झंडे में फोटो लगा लेना, चाहे टोपी में फोटो लगा लेना, कुछ नहीं हो सकता इससे। आप ही के अंदर व्यक्ति है जो डीडवाड़ा में ताली बजवाएगा, जो सागवाड़ा में ताली बजवाएगा। मैं 10 वर्ष राजस्थान में रहा हूं, राजस्थान के लगभग हर हिस्से में नौकरी की है। पहली साल श्रीगंगानगर में की है, पीलीबंगा में हनीश के घर रह के, एक साल वहां रहा हूं। उसके बाद सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी में की है, गंगापुर में की है। उसके बाद शाहपुरा भीलवाड़ा जाके 3 साल की नौकरी की है। उसके बाद 5 साल भरतपुरा के नौकरी की है। ससुराल अजमेर में है, ससुराल का नाम असना जोधपुर में है। राजस्थान में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। और राजस्थान में लगभग 2000 राज जगह हूं मैं, खेड़ली से लेके बयाना तक और पिसांगन से लेके पोखरण तक, हर जगह 5-5 साल लगातार जगह कभी सम्मेलन करें, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, हर जगह लोग हैं। लेकिन उससे पार्टी नहीं खड़ी, मेरे चमत्कार से पार्टी खड़ी नहीं होगी। जो मनीष भाई भी कहके गए कि कुमार की एनर्जी, कुमार का नेटवर्क है, वो सब आपके लिए है, वो सब आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन जब मैं खेड़ली जाऊं या मैं बयाना जाऊं या मैं हिंडौन जाऊं और वहां के मेरे पुराने 5 प्रतिभाशाली परिचित शहर के शेख, पूर्व विधायक या पूर्व पार्षद, पूर्व महापौर या आपके महापौर, उनसे मैं मिलके कहूं कि आप मेरी पार्टी में आइए, उससे पहले बयाना में ऐसा जलवा खड़ा हो कि वो ही मुझसे मिले कि यार कुमार भाई अपनी पार्टी में हमें भी शामिल करा लीजिए, हमसे भी कह दीजिए आपके लोग। तो ये आज तक जो हुआ इसके लिए, हालांकि मैं उसमें कहीं नहीं था, फिर भी इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि हम मेज के इस पार बैठे कि हमने आपके श्रम का, आपकी भावनाओं का, आपकी प्रतिभा का, आपकी मेहनत का सही मान नहीं रखा। हम सही नहीं जा पाए, हम आप तक नहीं पहुंच पाए, हम आप तक संवाद नहीं कर पाए। और अभी भी इस पार्टी के पास देश का सबसे अच्छा कार्यकर्ता है। मुझे इस हॉल में बैठा एक आदमी बता दो, मैं दिल्ली सरकार में तबादले का काम लेके आया हूं, एक आदमी नहीं आया। मुझे एक आदमी बता दो दिल्ली सरकार में ठेके का काम लेके आया, क्या ठेका दिलवा दीजिए मुझे जल बोर्ड में, ठेका दिलवा दीजिए पीडब्ल्यूडी में, एक आदमी बता दो जो अपने परिजनों के यहां अस्पताल के लिए ले आकर ठेके आया, दूसरे कार्यकर्ता के लिए आ गया होगा कि फला कार्यकर्ता के लिए प्रॉब्लम है, जरा देख लीजिए, अपने लिए कभी नहीं आया। इस पार्टी का कार्यकर्ता दलाली नहीं चाहता, इस पार्टी का कार्यकर्ता ट्रांसफर नहीं चाहता, इस पार्टी का कार्यकर्ता कोई मान नहीं चाहता। उसके बाद भी आप उससे कहो तो चुनाव नहीं लड़ेगा तो जनता डल जाएगा, में मीणा जी के साथ खड़ा होगा, चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा? और चुनाव अच्छा कार्यकर्ता नहीं लड़ता है, इसीलिए खराब लोग चुनाव जीत के अंदर पहुंच रहे हैं। आपसे बन के पहुंच रहे हैं, आपकी ताकत के बल पे पहुंच रहे हैं। आप वोट करते हैं, हम वोट करते हैं, भाषण देते हैं, मेहनत करते हैं, 5-5-6-6 रैली करते हैं, सड़क पे जाते हैं, कन्विंस करते हैं, उसके बाद पता चलता है खराब आदमी पहुंच गया, फिर वो खराब आदमी बदतमीजी करता है, फिर वो अशालीनता करता है, फिर वो पार्टी में आरोप लगाए, फिर वो पार्टी में बेईमानियां करता है, फिर वो गुटबाजी करता है, फिर वो पैराशूटर्स को बढ़ाता है, बैठे देखते रहते हैं अब इसका क्या करें, ये तो जीत गया, ये तो जा भी नहीं सकता 5 साल तक। तो इसके लिए तैयार करना यह है कि आपको हर विधानसभा पर
ऐसे लोगों की फौज तैयार करनी है जो एक एक विधानसभा पर 10 कार्यकर्ता ऐसे हो कि इनमें से कोई सा भी बन सकता है। इसको खत्म करने के लिए पार्टी अभी जो संगठन विस्तार बनाए उसमें जो चुनाव कैंपेन कमेटी निकल के आएगी वो पहले दिन ये तय कर ले कि एक साल से कम की सदस्यता का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। युद्धों में इस बात का हिसाब नहीं रखा जाता कि आप जीते या हारे, युद्धों में इस बात का हिसाब रखा जाता है राजस्थान से बेहतर कौन जानता है कि गोली पीठ पे खाई कि छाती पे खाई। हमारा अच्छा कार्यकर्ता, तेजस्वी कार्यकर्ता जो करप्ट नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होगा और कम्युनल नहीं होगा, जो चरित्रवान होगा, अच्छा आदमी होगा, अगर वो हार भी जाएगा तो मुझ पर गर्व होगा। अगर कांग्रेस से, अकाली से, भाजपा से, इधर से आया हुआ चरित्रहीन नीच आदमी विनेबिलिटी के नाम पर टिकट लेके जीत भी जाएगा तो मुझे उस पर शर्म आती रहेगी कि जीत गया। और ऐसे बहुत कम है, इसमें यह जिम्मेदारी आपकी है तय करना। उनसे बात कर लीजिए, आना है अभी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली में कैसे जीते? हमने जंगपुरा में चुनाव जीता है, पंजाबी बहुल जगह पर। किसको जिताया? मराठी लड़के को, प्रवीण देशमुख को। इसलिए क्योंकि लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अच्छा लड़का है, ठीक से लड़ेगा। हमने पहला चुनाव लड़ा था आर के पुरम में, 500 मुसलमान नहीं रहते आर के पुरम में, शाजी अली में लड़ाई थी, 200-250 वोट से हारी। हमने मुस्तफाबाद में चुनाव लड़ा, 100% मुस्लिम कम्युनिटी की जगह है। हमने आईएस के मेन से लौटे अपने कार्यकर्ता कपिल धामा को लड़ाया जो केमिकल इंजीनियर, और अच्छा चुनाव लड़ा। अच्छा चुनाव लड़के, अच्छे आदमी के साथ चुनाव लड़के हम हार भी जाएंगे तो भी आम आदमी पार्टी जिंदा रहेगी, और खराब लोगों के साथ जीत भी जाओगे तो आपका आंदोलन जिंदा रहेगा, पार्टी जिंदा रहेगी। तो जिनको पार्टी की चिंता है वो उस तरह का चुनाव लड़े, जिनको आंदोलन की चिंता है वो इस तरह। और मुझे लगता है अभी जो कमोबेश मुझे आवाज सुनाई दी आप लोगों की, वो सुनाई दी कि आप सब आंदोलन के लोग, आंदोलन के साथी। तो एक तो असहमति को आदर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर असहमति की थोड़ी थोड़ी शालीनता बनाए रखें। व्हाट्सएप ग्रुप बंद करने के लिए गई, सब बंद करना, इसी के खिलाफ तो आए थे कि आवाज बंद मत करो। आज देश में जो सर्वोच्च शासन बैठा हुआ वो तो यही चाहता है आवाज बंद करो। आवाज बंद करने के लिए व्यक्तिवाद से बाहर निकलना, इस पर मैं सहमत हूं। ये एक छोटा मोटा प्लान है, हम लोग इस लंच कर लेते हैं, लंच के बाद एक बार हम फिर बैठ लेंगे। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, मेरी 100% अवेलेबिलिटी आपके लिए है, 100% अवेलेबिलिटी आपके लिए। आप ये मान के चलिए कि शहजादा सलीम को दक्कन का गवर्नर बना के भेज दिया पार्टी ने, जैसे अकबर ने भेजा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ हूं 24 घंटे आपके। लेकिन मैं वो मॉडल आप लोगों में देखना चाहता हूं, मेरे प्रयास से, आपके प्रयास से, जिसमें मेरी न्यूनतम आवश्यकता आपको पड़े। मजा इस बात में है कि केंद्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा हो 4 महीने बाद, एक बड़ा 10,000 लोगों का, मैं ही फोन करके कहूं कि मैं आ जाऊं क्या, और आप ये कहो कि आपको तो रैली में बुलाएंगे तो कार्यकर्ताओं का, हम लोग कर लेंगे आपस में, इसका तो आनंद है। फिर तो हम, क्योंकि राजस्थान का चुनाव, राजस्थान का संगठन, राजस्थान का चलना, राजस्थान का सब काम, कई बार चुनौतियां और थोप दी गई चुनौतियां या आपको चक्रव्यूह की जो चुनौतियां होती है वो आपको अभिमन्यु बनना सिखाती हैं। राजस्थान को अभिमन्यु बनना है। अच्छे माहौल में चुनाव लड़ लेते फिर क्या हुआ? अधिकांश लोग तैयार बैठे थे कि माहौल बनने वाला है, अच्छा होगा। लेकिन सदा ध्यान रखना, धीमे बहती हुई नदियों में गंगा जल आता है, बाढ़ के पानी में मल आता है। इसलिए बाढ़ के पानी के साथ हमें सफाई नहीं करनी, बाढ़ के पानी के साथ कोई आंदोलन नहीं जाना। हमें सचमुच सैद्धांतिक रूप से गंगा जल तैयार करना है इन आंदोलन का, कि ऐसे आखिरी आदमी तक बात पहुंचेगी। आप राजस्थान के लोग, आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत कष्ट में है प्रदेश, बहुत कष्ट में है। 4.5 साल तक एक महिला लंदन में घूमती रहती है, रूस में घूमती रहती है, अपना पार्टी करती रहती है, अचानक 6 महीने पहले आती है, कहती है राजस्थान बचाना, राजस्थान बचाना है, लोग वोट दे देते हैं, उसके बाद वो हार जाती है, फिर एक दूसरे आ जाते हैं, कमा के खाओ, वो जीत जाते हैं। तो ये राजस्थान बहुत बुरी हालत में है, इसलिए आपको, और कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है धीरे, और भारतीय जनता पार्टी भयानक अंतर्कलह के पीड़ित है। लेकिन हमको सकारात्मक चुनाव लड़ना है, हमको नकारात्मक नहीं लड़ना। जो हमारे महरिया साहब ने बताया अभी कि भाई हम ये मॉडल लेके आए कि फ्रूट्स के प्लांट कैसे हों, फ्रेट कॉरिडोर कैसे बने, सड़कों के बारे में हम क्या कहेंगे, कैसे फ्रूट पैकेजिंग वहां चली जाएगी, राजस्थान का युवा और पूरी दुनिया में बैठे हुए राजस्थान के प्रवासी साथी इसी बात से जुड़ेंगे। और आप, पंजाब और राजस्थान केवल दो जगह ऐसी हैं जहां दुनिया के हर एयरपोर्ट पर आपको आदमी मिलता है। मैं जोहान्सबर्ग जाऊं, टोक्यो जाऊं, अमेरिका जाऊं, 5 आदमी लेने आते हैं, उनमें से एक आदमी जरूर पूछता है ठीक है हो जी, एक आदमी जरूर पूछेगा आपको, राजस्थान का मिलेगा आपको। वो सब लोग किसी पॉलिटिकल मोटिव के लोग नहीं है, वो अच्छा राजस्थान देखना चाहते हैं, वो सौभाग्यशाली और हंसता मुस्कुराता राजस्थान देखना चाहते हैं। राजस्थान ने माइग्रेशन का जो कष्ट है वो भोगा है, शेखावाटी में खाली पड़ी हुई हवेलियां बताती हैं कि माइग्रेशन का दर्द क्या है। आज वो लोग जो दुनिया के जिस हिस्से में गए, कलकत्ता गए हो, बेंगलोर गए हो या अमेरिका गए हो, वो वहां के किंग हैं, वो राजा हैं,
वही प्रतिभाशाली लोग हैं, वही बौद्धिक मस्तिष्क है। राजस्थान व्यापार करता है तो ऐसा स्टील बनाता है कि पूरी दुनिया चरणों में झुकती है। राजस्थान प्रेम करता है तो डोला मारू की तरह करता है। राजस्थान तलवार उठाता है तो कैसे उठाता है पूरी दुनिया जानती है। इसलिए सबसे अधिक पोटेंशियल का प्रदेश है, सबसे अधिक क्षमताओं का प्रदेश है। ये तीन बातें आज तय हुई। पहली बात, दिल्ली के वर्चस्ववाद का समापन। दिल्ली भाई है, साथ रहेगा आपके, आप चलाइए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि एक केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी मर्यादा है, उसका अनुशासन है। कहीं ऐसा करेंगे जिससे हमारे की भी छवि खराब हो रही हो तो हम जरूर बोलेंगे, फिर हम आपसे जरूर कहेंगे भाई ये गलत कर रहे हैं आप लोग, ऐसा मत करिए। क्योंकि हमें अगर दिल्ली और केंद्रीय नेतृत्व के कामों पर आपने शंका उठाई, अभी आपने खुले सवाल उठाए, हम में से किसी ने आपको रोका नहीं, आपने हम पर आरोप लगाए, हमारे नेताओं के बारे में कहा, आरोप क्या मतलब, आपकी आपका दर्द था, आप भी कौन बाहर के हो, घर के लोग हो, नाराज थे आप, तो हमने सहा, अगर आप भी गलत करेंगे तो फिर हम भी कहेंगे, फिर हम भी आपसे कहेंगे कि इनको हटा दो, इनको निकाल दीजिए, इनके साथ ऐसा मत करिए, है ना। दूसरा, इसी वर्चस्ववाद में गणेश परिक्रमाएं समाप्त, फोटोबाजियां आज से समाप्त। आप सब लोग मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते होंगे, कुछ मुझसे उम्र में छोटे हैं वो आदर रखते होंगे, कुछ मेरे समकक्ष हैं वो मन में बड़ा प्यार रखते होंगे, उनसे सभी ने निवेदन है कि आज से राजस्थान के प्रभारी कुमार विश्वास से लेकर विधानसभा का प्रभारी जो बनेगा उस तक किसी यहां से गए हुए आदमी का चित्र आप नहीं लगाएंगे, आप कोई चित्र उसका नहीं लगाएंगे। आप उसे आदर दीजिए, स्नेह दीजिए, चलते समय आपको लगे कि इसे जोधपुरी दो चद्दर देनी है वो दे दीजिए, शेखावाटी जाए तो टीट का अचार बांध दीजिए उसके साथ, वो अच्छे घर वाले खाएंगे, कितना शानदार अचार है। जोधपुर जाए तो आप खेजड़ी की उसको जूतियां दे दीजिए, अच्छी है, जो मन करे दे दीजिए, लेकिन फोटो मत छापिए, उसके चारों तरफ मत घूमिए, वो तय नहीं करने वाला है आपकी कैसे यूनिट बनेगी। तीसरा, तीन हिस्सों में चुनाव चलेगा, पहले 6 महीने संगठन निर्माण, अगले 6 महीने सूचना का नीचे तक पहुंचना। आम आदमी पार्टी राजस्थान मॉडल क्या है, इसका मतलब जब मैं ये कह रहा हूं तो पहले 6 महीने में आप मॉडल तैयार कर लीजिए, बैठ जाइए, मैनिफेस्टो कमेटी बना लीजिए, कैसे बनेगा, व्यापार को लेकर क्या सोच है, इन चीजों को लेकर, जातिवादी सवाल है, आरक्षण के सवाल है, उनसे बच नहीं सकते आप, आपको उन पर एक लाइन तय करनी पड़ेगी केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति मिलके कि इनमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब सवालों को आपको संबोधित करना पड़ेगा। इस मैनिफेस्टो की एक कमेटी बना के और उसको बढ़ाते चलिए। देखिए, मैं कोशिश करूंगा इस सरकार में, हालांकि मैं कुछ कहता नहीं हूं, आप सब जानते हैं मेरा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सरकार का एक प्रतिनिधि नितिन भी है, ये भी काम करेगा और बहुत सारे साथी काम करेंगे इन जैसे, कि राजस्थान की जो संस्कृति है, दिल्ली में हमारे पास ब्रज की एक संस्कृति की एक वो है एकेडमी है, सिंधी संस्कृति की एक एकेडमी है, हमारे पास पंजाब की एकेडमी है, हमारे पास उर्दू की एकेडमी है, तो हम कोशिश करें कि दिल्ली सरकार भी ये करे कि एक राजस्थानी कला संस्कृति एकेडमी यहां बनाए, दिल्ली सरकार अपने पैसे से बनाए और इसी प्रकार से वहां के लोग यहां सम्मिलित हों। अगर आप पार्टी के बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कर पाए, कलाकारों को इन्वॉल्व कर पाए, लिखने पढ़ने वाले लोगों को इन्वॉल्व कर पाए, संपादकीय लिखने वाले लोगों को इन्वॉल्व कर पाए, कॉलेज के प्रोफेसर को इन्वॉल्व कर पाए, छात्र संघ के लोगों को, सीरा जैसस बड़ी ताकत है, उसे धीमे धीमे खड़ा करिए, तो इस पर भी मैं बात करूंगा। तो ये जो परिवार जो लोग, अब आप आता है संगठन का ढांचा, अब आपके दिमाग में होगा कि प्रवचन तो लंबा हो गया, संगठन का है, जो संगठन आज है अगले कुछ हफ्ते में, एक हफ्ते दो हफ्ते में इस संगठन में थोड़ा सा परिवर्तन ये किया जाएगा कि इसमें पदनाम विलुप्त करके इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई जाएंगी, क्योंकि संभावनाशील पानी को मत रोकिए, असुरक्षा बहुत बड़ी बुरी चीज है। आज कांग्रेस में असुरक्षा बहुत समाप्त हो जाए वो दोबारा खड़ी हो जाएगी, पर वहां खड़ा होने की स्थिति नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है कि जब सचिन पायलट कहते हैं राहुल गांधी हमारे नेता रहेंगे, या सिंधिया जी कहते हैं ज्योतिरादित्य राहुल गांधी, मुझे लगता है इनको मोदी जी ने कुछ पैसे दे रखे हैं, तुम ऐसा बोलते रहना, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक कांग्रेस बन नहीं सकती, वो तो खत्म ही है, और वो बने रहेंगे तो कांग्रेस समाप्त है। नेतृत्व में असुरक्षा बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेता ईश्वर बनाता है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए कोऑर्डिनेशन, अगर जब आपने पद दे दिया, मैंने आज कह दिया राजस्थान के अध्यक्ष ये हैं जी, आज ये सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष ये हैं जी, सवाई माधोपुर में संभावना ही समाप्त हो गई साहब। मुझे एक सीनियर अफसर है आईएएस कैडर का दौसा का, उसने मुझे अप्रोच किया राजस्थान का प्रभार मिलते, कि साहब मेरे खानदान में इतने लोग लड़ चुके हैं चुनाव, मैं ऐसी स्थिति में हूं, मेरा घर इतना, मेरा जातिगत समीकरण इतना, मैं आपके साथ लगना चाहता हूं, अगर आज दौसा में हमने संगठन में अध्यक्ष बना रखा है और प्रदेश में बना रखा है तो उसकी तो संभावना ही समाप्त हो गई, उसका तो बात ही समाप्त हो गई, उसके नेतृत्व के उभरने के लिए उचित अवसर मिले इसके लिए अभी हमें जमीन खाली छोड़नी पड़ेगी, और हमें खुद को आंकना पड़ेगा कि हम कितने कार्यकर्ता लेकर आए। अगर आप कार्यकर्ता ले आए
ये सीधा सीधा वोट बनाने जैसा है, जैसे विधानसभा में चुनाव आप करते हैं। अगर आपने स्टूल बिछा के वोट बनवाई है तो चुनाव आप जीतोगे, और वोट नहीं बनवाई है, कटवाई है, तो चुनाव आप हारोगे। तो संगठन का ढांचा प्राइमरीली अगले 10-12 दिन में डिवाइड हो जाएगा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उन कमेटी का कोई अधिकार नहीं है, उनका सिंपली है कि वो नीचे तक लोगों को लेके आए और वो अपनी ताकत अजमाए और लोगों को लेके आए, पूरी वॉल पेंटिंग कराए, सब जगह लिखवाए लोगों को, फंड इकट्ठा करें। फंड कमेटी है अगर, तो वो शुरुआती इतना फंड इकट्ठा करें। क्या इसकी जिम्मेदारी हम सब लेने को तैयार है? जो मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा ढांचा हम बनाए कि जिस ढांचे में एक ही हाथ उठा, मुझे तो एक ही हाथ दिखाई दिया, अब सब उठे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आप सब सहमत है कि एक ढांचा हम ऐसा बनाए कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटीज है, लेकिन अभी अस्थाई है, इनमें थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलेगी, लोग आएंगे, जुड़ेंगे, अगर चुनाव की जरूरत पड़ी तो चुनाव भी कराएंगे, अगर बिना चुनाव की जरूरत पड़ी तो बिना चुनाव कराएंगे। और एक बात यह तय है, बिल्ली सदा यह चाहती है कि घर के सब मर जाएं, इस मकान में चूहे पले और मैं खाऊं, कुत्ता सदा यह चाहता है कि इस परिवार में बहुत सारे लोग आते रहे, सबका भोजन बने और बचे और मैं खाऊं। किसी संगठन का बनना है तो उसका कुत्ता बने, उसकी बिल्ली मत बने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं इस संगठन में सब मर जाएं, ये भी निकल जाए, तू भी निकल जाए, इसके खिलाफ षड्यंत्र रच दो, इसके खिलाफ खबर प्रेस कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको जीत कर दो, और उसके बाद वो अकेले बच जाए। ऐसी पार्टियां जनता पार्टी बन जाती है, अकेला सुब्रमण्यम स्वामी बच गए थे और बाद में वो भाजपा में चले गए। अगर ये पार्टियां ऐसी बनानी है आपको राजस्थान, तो फिर आप ही रह जाओगे अकेले, आप ही को लोग पहचाने। और अगर आप चाहते हो कि ये और बने, तो उसके लिए आपको बड़ी वफादारी के साथ ये करना पड़ेगा कि और लोग लाने पड़ेंगे। जो यूथ की एक कमेटी है, अगर 10 लोग 20 लोग यूथ के हैं, तो 25 लोग रितेश के, जो दूसरे साथी हमारे यूथ के थे, ये 25 लोगों को और लेके आए और इस बात के लिए तैयार रहे कि तुमसे ज्यादा पावरफुल आदमी आएगा, आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा लोकप्रिय आदमी आएगा, और अगर उससे लड़ना है तो खुद को ज्यादा शक्तिशाली बनाओ, खुद को ज्यादा मेहनत करो, इस असुरक्षा से बाहर आओ। जब ये मीटिंग शुरू हुई थी तब कुछ साथियों का ऐसा मानना था, मनीष भी कह के गए थे कि एक नकारात्मकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता नकारात्मकता नहीं है। आज की इस मीटिंग में जो भी गर्मी आपको लग रही है, थोड़े से कम एसी है, इसको आप आने वाले 6 महीने बाद 8 महीने बाद याद रखोगे कि यहां से राजस्थान उठना शुरू हुआ, यहां से हमारा काम शुरू हुआ। तो आप सब जो है एक बार भोजन कर लें और फिर एक एक बार हम फिर मिल लें, और ये मिलने का जो सिलसिला है इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आज ही मिल रहे हैं कल नहीं मिले। अगर मुझे लगेगा 6 दिन बाद 7 दिन बाद की आपको आवश्यकता, तो मैं जयपुर ड्राइव करके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बैठ लेंगे, कोई नहीं, वहां जाके बैठ लेंगे, कहीं और जाके बैठ लेंगे, दोबारा बैठ लेंगे, एक एक बार सबके साथ बैठ लेंगे, लेकिन इनकी आवश्यकता कम से कम पड़े। तो एक बार फिर सबसे चढ़ करके एक कमेटी बना लेंगे और इस कमेटी सूचना दे देंगे लोगों को कि कैसे कैसे बननी है, और फिर संगठन का ढांचा तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत